तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देते हैं इसमें क्या कहता है फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस है कोई उस पर हम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन डाल रहे हैं अलग अलग वेव का तो चलो हम लोग एक सरफेस बना लेते हैं ये जो सरफेस है इस पर हमने दो मोनोक्रोमेटिक अलग अलग वेव का रेडिएशन डाला पहले की वेव लेंथ लेमडा वन है और दूसरे की वेव लेंथ लेमडा वाई टू है दो रेडिएशन डाल दिए हम इस सरफेस पे एकदम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या फिवी इलेक्ट्रॉन इज थ्री टाइम्स दैट इन द फर्स्ट केस अब देखो ये कह रहा है कि जब रेडिएशन अब डाल रहे हो ऑबियसली थ्रेश होल्ड से ज्यादा होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए फर्स्ट केस में ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं और यहाँ से फोटॉन्स पड़ रहा है ठीक है तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस में मान लो ई है और इसकी वैल्यू ई है और दूसरे केस में जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मान लो E2 है तो ये घर आ पहले वाले का तो E2 जो है वो थ्री टाइम्स है पहले वाले का E1 का दैट इज थ्री ई के इक्वल है तो ये कंडीशन है ये हमें याद रखना है अब न्यूमेरिकल में आगे ये हेल्प करेगा द फर्स्ट केस द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल मतलब ये जो मटेरियल है जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल इसका हमें फाई निकालना वर्क फंक्शन तो ऐसे अब मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि 95 फाइव परसेंट अमेरिकल आइंसटाइन का इक्वेशन सॉल्व कर देता आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या कहता है कि एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर के इक्वल होता है क्लियर है तो ये जो वर्क फंक्शन है या इसको हम फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ई भी लिख सकते हैं तो ये इक्वेशन जो है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस है कि जितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई हो दो पार्ट में यूज हो गई एक वर्क फंक्शन एक काइनेटिक एनर्जी एक केस के लिए तो इस इक्वेशन को दोनों केस के लिए अलग अलग सॉल्व कर देंगे वहां से फाई निकल जाएगा सिंपल सी बात तो पहले केस के लिए लगाएं तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई एंड प्लस इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू यहाँ लिख लो तो यहाँ से अगर मैं इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू लिख लूँ तो ई इज इक्वल टू एच न्यू इज टू सी अपन लेमडा पहले केस के लिए और काइनेटिक एनर्जी ई वन तो यहाँ से मुझे ई e मिल जाएगा वो मिल जाएगा एच सी अपन लैमडा माइनस फाइव इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब दूसरे केस में ई एनर्जी e जो है वो थ्री टाइम्स है मतलब वो थ्री ई e की वैल्यू एंड देट इज इक्वल टू एच सी अपन लेमडा लेमडा आधा हो गया तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू रखूंगा तो टू एच सी अपन लेमडा और माइनस वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि वर्क फंक्शन मटेरियल प्रॉपर्टी है नेचर पर डिपेंड करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों इक्वेशन से यहाँ से ई e ला के इसमें रख दो तो ये थ्री टाइम्स यहाँ से ई e रखोगे तो एच सी अपन लैमडा माइनस फाइव एंड इक्वल टू टू एच सी अपन लैमडा और माइनस फाइव ये तो अब इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लें तो हमें फाइव की कैलकुलेशन हो जाएगी ठीक है चलो तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो थ्री एच सी अपन लैमडा और माइनस थ्री फाइव दैट इज इक्वल टू टू एच सी अपन लैमडा और माइनस फाइव क्लियर है तो यहाँ से यहाँ से इसको इधर लाओगे तो ये आ जाएगा इसको सॉल्व कर लो इसको इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस ये आ जाएगा टू वन एच सी अपन एच सी अपन ये लैमडा और ये माइनस उधर गया तो मतलब टू फाई के इक्वल हो जाएगा तो वर्क फंक्शन फाइव की वैल्यू यस सी अपन टू लेमडा इज द फाइनल सोलूशन तो आई होप कि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार किए हैं मतलब सी ऑप्शन सही है आप प्रैक्टिस कर लेना और नीट के प्रीवियस ईयर पूरा कर लेना चलो